नमस्ते। तो कैसे हो यार आप लोग। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू क्लीन और रिप्लेस EGR वेल्व। EGR वेल्व हर गाड़ी में होता है, चाहे BMW हो या स्विफ्ट, एंड विद टाइम एंड मोर किलोमीटर EGR क्लॉग हो जाता है। उससे आपकी कार मॉर्निंग में रफ आइडल होगी या जैसे हम कॉमनली बोलते हैं मिसिंग मारेगा इंजन, एंड ओवरऑल इंजन की परफॉर्मेंस पे भी फर्क पड़ता है। विद दैट सेड, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चलो शुरू करते हैं। जब भी आप कार में कुछ मेंटेनेंस वर्क करते हो तो मेक श्योर कि आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को डिस्कनेक्ट कर दो। मोस्टली BMW के ट्रंक इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, दैट मीन्स कि अगर हम ट्रंक बंद कर देंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू ओपन द ट्रंक। सो टू अवॉइड दिस सिनेरियो, हम ट्रंक लैच पर एक कपड़े से ऐसे नॉट बांध देंगे। अब ये ट्रंक बंद नहीं होगा। बैटरी BMW में इन कारपेट्स के नीचे होती है, तो लेट्स रिमूव दीज। नेगेटिव टर्मिनल पर माइनस का सिंबल होगा, उसके बोल्ट को लूज करो एंड पुल इट आउट। ताकि ये टर्मिनल बैटरी को दोबारा टच ना हो, तो मैं इसके नीचे कपड़ा रख देता हूँ। नाउ वी कैन रिमूव द EGR वेल्व। आई हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस टूल किट फ्रॉम स्टैनली, जिसमें टॉर्क्स और सॉकेट सेट दोनों है, जो आजकल लगभग हर कार में यूज होते हैं। EGR को रिमूव करने के लिए भी टॉर्क स्क्रूज हैं, तो मैं ये टूल किट यूज करूंगा। ये टूल किट ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं थी। अगर आप ये एग्जैक्ट टूल किट लेना चाहते हो तो मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में Amazon लिंक डाल दूंगा, जहां से मैंने ये टूल किट ऑर्डर की थी। फर्स्ट हम इंजन कवर को रिमूव करेंगे। इस वायरिंग हार्नेस पर दो स्क्रूज हैं जो हमें रिमूव करने हैं। अब इनटेक एक्चुएटर कनेक्टर को डिस्कनेक्ट करो। EGR पर भी एक कनेक्टर है, अब उसे डिस्कनेक्ट करो। क्लोजअप में देखो तो ये है EGR वेल्व, एंड सिर्फ दो टॉर्क स्क्रूज हैं जो हमें रिमूव करने हैं। इस EGR में दो कूलेंट पाइप्स भी हैं जो हमें रिमूव करनी है, एक यहां और दूसरी यहां पीछे। और इस टूल किट में आप एक्सटेंशन लगा के ऐसा सेटअप कर सकते हो, जो बहुत हेल्प आता है टाइट स्पेसेस में। दिस इज अ मैग्नेटिक पिकअप टूल जो बहुत काम आता है। आई विल शो यू हाउ। नाउ लेट्स रिमूव द फर्स्ट स्क्रू। जब स्क्रू लूज हो जाए तो इस मैग्नेट से आप स्क्रू को बिना इंजन में गिराए निकाल सकते हो। तो हमें यहां से लास्ट स्क्रू को एक्सेस करना पड़ेगा। अब इन दोनों कूलेंट पाइप्स को डिस्कनेक्ट करोगे। इस क्रॉस बार को भी हमें हटाना पड़ेगा। तो ये बोल्ट 17mm का है, सो मुझे दूसरी टूल किट यूज करनी पड़ेगी। जो भी टूल्स मैं इस वीडियो में यूज कर रहा हूँ उसका नीचे Amazon लिंक है, अगर आप लेना चाहते हो तो। तो चलो अब इस बोल्ट को रिमूव करते हैं। इस दूसरे बोल्ट को निकालने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा लूज करके इस बार को आप साइड कर सकते हो। कई बार ये EGR वेल्व बहुत ज़्यादा टाइट होती है, तो लूज करने के लिए हमें हैमर और एक बार से इसे ऐसे मार के लूज करना पड़ेगा। एंड मेक श्योर कि एग्जॉस्ट पाइप पर एक कपड़ा रख लेना, क्योंकि इन कूलेंट पाइप्स में अभी भी कूलेंट होगा। एंड इवेंचुअली हेयर इज द EGR वेल्व। एज यू कैन सी EGR इज कवर्ड इन कार्बन। अगर आपका EGR ठीक है और बस क्लीन करना है, तो थ्रॉटल बॉडी क्लीनर से आप वेल्व को स्प्रे करोगे तो EGR साफ हो जाएगा। बट इस EGR की वेल्व खराब है, तो मैं इसे रिप्लेस करूंगा। एक खराब EGR के सिम्टम्स होते हैं, यूजुअली सुबह इंजन मिसफायर करेगा और ड्राइव ट्रेन का एरर आ सकता है डैशबोर्ड में, एंड ऑल्सो पिकअप भी बहुत कम हो जाता है गाड़ी का। आई हैव ऑर्डर्ड अ न्यू EGR वेल्व एज यू कैन सी। अब दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करके देखते हैं। वेल्व पुरानी EGR की खराब है एंड रिमेन्स शट, क्योंकि इट इज ओल्ड एंड हैज ओवर 1 lakh kilometers। तो चलो अब नए EGR को इंस्टॉल करते हैं। पहले जो पीछे वाली कूलेंट पाइप है उसे कनेक्ट करोगे। मेक श्योर कि जो कपड़ा रखा था आपने एग्जॉस्ट पाइप पे, वो आप निकाल लो। इसके बाद स्लाइड द EGR वेल्व इनटू द एग्जॉस्ट पाइप। उसके बाद दो स्क्रूज हैं एंड 1 कूलेंट पाइप।
मैं दोबारा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसके बाद एक्चुएटर सेंसर को कनेक्ट करो। दो वायर्स हैं जो EGR के पीछे करनी है आपको। उसके बाद कनेक्ट द EGR वेल्व सेंसर। अब क्रॉस बार को वापस लगा देते हैं। कनेक्ट द बैटरी टर्मिनल एंड द कार इज अलाइव एंड इंजन इज नॉट शेकिंग एज इट यूज्ड टू। सो दोस्तों, ऐसे आप EGR वेल्व को रिप्लेस और क्लीन कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी एंड आप चाहते हो तो सब्सक्राइब करो यार ऐसी और वीडियो देखने के लिए। आज का एम रखते हम 24 लाइक्स। तो दोस्तों ध्यान रखो अपना और अपनी गाड़ियों का और मिलते हैं अगली वीडियो में। We'll be right back.